हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके टुडे। दिस इज़ आरजू कक्कड़। इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं उनको डिस्कस करूँगी। अगस्त मंथ है तो उसी से ही शुरू करते हैं। अब कैटेगरी वाइज जो है थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दे लेते हैं। तो बीइंग द फर्स्ट कैटेगरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उससे एसोसिएटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो करंट अफेयर्स हैं, जो न्यूज़ में रहे हैं, सो लेट अस डिस्कस देम, राइट। तो पहला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, आपके सामने है। चार ऑप्शंस भी हैं, हम इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है जहाँ पर भी रेलिवेंट हुआ, और यस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है हर एक क्वेश्चन में मैं कोशिश करूँगी आपके साथ शेयर ही कर दूँ। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता भी दूँ कि ये जो क्वेश्चन हैं ये जी के टूडे के डेली 20 MCQ सीरीज़ जो है उसमें से लिए हुए हैं, और आप चाहें तो आप जी के टूडे के एंड्रॉयड ऐप पर उस डेली 20 MCQ सीरीज़ को फॉलो भी कर सकते हैं। एंड या फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, विच कंपनी रिसीव्ड द फर्स्ट टाइप सर्टिफिकेट अंडर द ड्रोन रूल्स 2021 फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो इनमें से वो कौन सी कंपनी है जिसने रिसीव किया है, क्या रिसीव किया है, फर्स्ट टाइप सर्टिफिकेट अंडर द ड्रोन रूल्स 2021, किससे, कौन सी मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से। सो जो कंपनी है उसका नाम है IoTech वर्ल्ड एविगेशन। ये जो कंपनी है एक कंपनी जो कि गुरुग्राम बेस्ड कंपनी है, राइट। देयर आर यू कैन से 14 ड्रोन प्रोटोटाइप्स दैट आर अंडर गोइंग द सर्टिफिकेशन टेस्ट। तो यहाँ पर मैं आपसे बात करूँ अगर इस कंपनी की, तो ये कंपनी एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, राइट। तो ये एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एंड द ड्रोन रूल 2021 जो है देवर नोटिफाइड इन 2021, तो ड्रोन रूल 2021 ही हुए, एंड द सर्टिफिकेशन स्कीम जो भी है फॉर द अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, तो उससे एसोसिएटेड है। एंड यस, दिस कंपनी इज द IoTech वर्ल्ड एविगेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है, जो कि एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, गुरुग्राम बेस्ड है। आई थिंक सब अब तो बेयर मिनिमम इन्फॉर्मेशन आपको पता ही चल गई है। आगे है, कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया था इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र इन 1995, मतलब बहुत ही पुराना, जिसको आप बोल सकते हो एक ओल्डेस्ट आइकॉनिक इंटरनेट एक्सप्लोरर था। अब तो मोस्ट ऑफ यू आई थिंक सभी क्रोम यूज़ करते होंगे, जो नहीं करते हैं कोई बात नहीं, बट क्रोम मोस्ट पॉपुलर और वाइडली यूज ब्राउज़र है वर्ल्ड में, जिसका मतलब आप कह सकते हो विद ओवर 70% ऑफ द मार्केट शेयर है क्रोम का, राइट। अभी क्या है, जो माइक्रोसॉफ्ट है इट हैज़ शट डाउन इट्स आइकॉनिक इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र, जैसे कि बोला ही गया है, इट वॉज लॉन्च इन 1995, सो इट इज़ आफ्टर 27 ईयर्स माइक्रोसॉफ्ट हैज़ डन दिस। एंड माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है अपने यूजर्स को टू स्विच टू इट्स मॉडर्न एज ब्राउजर, राइट। सो अब तो सारी एक्सप्लेनेशन के बाद आंसर बहुत ईजी है आपके लिए, माइक्रोसॉफ्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला आपको एक मिशन दिख रहा होगा जो कि है गया मिशन। ये मिशन वॉज फाउंड इन द न्यूज रिसेंटली। ये एसोसिएटेड है कौन सी स्पेस एजेंसी से, बहुत ही फेमस मिशन, और इस मिशन से एसोसिएटेड एक टर्म भी है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अभी। एंड पहले इस देख लेते हैं, ये जो मिशन है गया मिशन, ये कौन सी स्पेस एजेंसी का है, नासा का है, ESA का है, SpaceX का है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऑप्शन सी, उनका ये एक मिशन है गाया मिशन। इसको लॉन्च कब किया गया था, प्लीज़ डू रिमेम्बर, 2013 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, और इस मिशन ने अभी तक, मैं अगर आपको बताऊं तो इट हैज़ ऑलमोस्ट कवर्ड 1.8 बिलियन स्टार्स इन द मिल्की वे गैलेक्सी। बेसिकली जो मैपिंग चल रही थी, 1.8 बिलियन स्टार्स इन द मिल्की वे गैलेक्सी। तो यहाँ पर इस मिशन ने रिवील भी किए हैं द लार्जेस्ट यू कैन से द केमिकल मैप ऑफ द एंटायर मिल्की वे, स्टार्स के रिगार्डिंग आप बोल सकते हो, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके कलर, उसका टेम्परेचर, ब्राइटनेस, तो ये सब जो है इस मिशन ने रिवील भी किया है। एंड 2013 में एज आई टोल्ड यू इट वॉज लॉन्च, इट स्टडीड मिल्की वे, राइट, इट स्टडीड मिल्की
वे। इसी के साथ साथ आपने एक टर्म सुनी होगी जो इस मिशन से एसोसिएटेड है, स्टारक्वेक्स। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। स्टारक्वेक्स पोर्टेड, मतलब स्टारक्वेक क्या है? जैसे आपने अर्थक्वेक सुना होगा ना, सिमिलर टू अर्थक्वेक, अगर ऐसी कोई एक्टिविटी सरफेस ऑफ स्टार पे हो, दैट इज स्टारक्वेक। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, मैं आपको स्टारक्वेक के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ। स्टारक्वेक मतलब टाइनी मोशंस। स्टारक्वेक क्या है? स्टारक्वेक वो टाइनी मोशंस हैं स्टार के सरफेस के ऊपर जो कि स्टार की शेप को चेंज कर देते हैं, राइट? तो स्टारक्वेक क्या है? टाइनी मोशंस हैं जो कि कहाँ होते हैं? स्टार की सरफेस पर होते हैं, जो कि क्या करते हैं? स्टार के शेप को चेंज करते हैं, दैट इज स्टारक्वेक। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब पता चल गया होगा अब ये मिशन के बारे में, 2013 लॉन्च है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी इज द राइट आंसर ऑफ दिस मिशन, द एजेंसी दैट इज एसोसिएटेड, ठीक है? अगा ओके, होमोसेप, ये एक यूनिक फीचर है, आपको बताना है ये यूनिक फीचर, आप वट एवर वे यू प्रोनाउंस इट, इट इज़ अ रोबोट बेसिकली, मतलब इतना भी अब आपको पता चल गया है क्वेश्चन से, अ रोबोट है, डेवलप किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। मतलब तीन चीज़ें क्वेश्चन से ही मिल गई हैं, एक रोबोट है, आईआईटी मद्रास ने इसको डेवलप किया है, इसका यूनिक फीचर क्या है वो आप बता दीजिए, वो पूछ रहे हैं। तो इसका फीचर है कि ये रोबोट जो है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन इट इज़ यूज टू क्लीन दी सेप्टिक टैंक्स, राइट? सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करने के लिए इसको होमोसेप बोला गया है। ये द प्रोडक्ट डेवलपमेंट इट इज सपोर्टेड बाय गेल आल्सो, राइट? गेल इंडिया। तो 10 यूनिट्स जो हैं इसके, दे आर प्लान टू बी डिप्लॉयड कहाँ पर? अक्रॉस तमिलनाडु, राइट? एंड दे जो मैनुअल स्क्वेंजिंग होती है उसको एलिमिनेट करने के लिए दे आर वन स्टेप, मतलब उस पर्पस के लिए आप बोल सकते हैं दे हैव बीन डेवलप्ड कहाँ पर? आईआईटी मद्रास में। एंड क्या है ये? क्लीन सेप्टिक टैंक इनका जो फीचर है, तो ऑप्शन बी जो है वो इज़ द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एक आपको यहाँ पर एक एजेंसी दिख रही होगी जिसका नाम है सर्ट इन, मैं इसकी फुल फॉर्म अभी आपको बताऊंगी, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ये एजेंसी, ये सर्ट इन फंक्शन करती है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? तो इसका पूरा नाम है इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम, इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम। ये एक नेशनल एजेंसी है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? वेरी इजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर है ये। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मैं आपको बता भी दूं, इस मिनिस्ट्री, इस बेसिकली एजेंसी को पावर कहाँ से डिराइव होती है? सेक्शन चाहे तो आप याद कर सकते हैं, सेक्शन 70B है, कौन से एक्ट का है वो भी याद कर लीजिए, आईटी एक्ट 2000 का जो सेक्शन है 70B, वहाँ से ये जो बॉडी है अपनी पावर डिराइव करती है। इसकी पावर क्या है? इतना कुछ हो रहा है तो पावर भी तो पता हो ना, इस बॉडी की, इस एजेंसी की पावर, मतलब कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये क्या करती है, इसका फंक्शन क्या है? इस मिनिस्ट्री के अंदर ये जो है ये साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो होते हैं ना उनसे डील करती है, राइट? मतलब इश्यूज, थ्रेट अलर्ट्स जो होते हैं उनको इशू करना, तो वो सब जो है इस एजेंसी का काम है, राइट? अच्छा, आगे क्या है? आगे है 5G टेस्ट बेड के बारे में, क्वेश्चन एसोसिएटेड है। द आर्मी ट्रेनिंग कमांड हैज़ पार्टनर्ड विद विच इंस्टीट्यूशन टू एस्टैब्लिश अ 5G टेस्ट बेड? मतलब आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने पार्टनर किया है कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ टू एस्टैब्लिश दिस 5G टेस्ट बेड? मैं आपको 5G टेस्ट बेड के बारे में भी आपसे डिस्कस करूँगी, पहले मैं आपको बता देती हूँ कौन सा वो इंस्टीट्यूशन है जिसने पार्टनर किया है इसको एस्टैब्लिश करने के लिए, वो है आईआईटी मद्रास। तो पहले तो ये आपको एनीवे आपको याद में रखना है, आईआईटी मद्रास जो है उन्होंने इसको बेसिकली दे हैव पार्टनर्ड। अब बात क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है 5G टेस्ट बेड? देखो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, और साथ ही साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए ना कि अब हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इंडिया, है ना? तो ये भी तो हमारा एक एम है,
तो यहाँ पर ये जो 5G enabled future आपके जो communications हैं उसकी feasibility को support करेगी ये study, right? It will be also used in army's operational use, जो आपकी 5G technology है near to the border areas. तो यहाँ पर देखो, it is a step towards self-reliance. मतलब आप कहोगे कि इसमें सेल्फ रिलायंस कैसे आ गया? सेल्फ रिलायंस ऐसे आया कि अपन अपने को ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वी आर अडॉप्टिंग इट हर तरीके से. टेलीकॉम सेक्टर में भी हम उसको लेकर आ रहे हैं डेफिनेटली. तो क्या होता था, पहले जो भी स्टार्टअप्स होते थे या अभी जो स्टार्टअप्स हैं, जो इंडस्ट्रियल प्लेयर्स हैं जो कि 5G टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहते हैं, दे अपने प्रोडक्ट्स को वैलिडेट करने के लिए दे नीड टू गो अब्रॉड, राइट? तो यहाँ पर अब उन्हें अब्रॉड नहीं जाना पड़ेगा. दे डोंट अपने टेस्टिंग के लिए, अपने प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग के लिए दे डू नॉट नीड टू गो अब्रॉड विद दिस 5G टेस्ट बेड. बहुत ही आप बोल सकते हो कन्वीनियंस इंक्रीज हो जाएगी और साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हम चाहते हैं, गवर्नेंस ऑफ द कंट्री वो और ज़्यादा इंप्रूव होगा एंड ईज ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा. तो बहुत ही अच्छे इसके डेफिनेटली एडवांटेजेस तो हैं ही, लेकिन हर एक चीज़ जो है एकदम से आ जाए आप बोलो उसको कोई चैलेंजेस नहीं हो, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है. कि चैलेंज यही है सबसे पहले तो कि हार्डवेयर चैलेंज एक है, और साथ ही साथ आप बोलो तो एक फाइबर कनेक्टिविटी इंडिया के अक्रॉस कनेक्ट करना, तो उसको अपग्रेड करना इसकी भी ज़रूरत है अभी. इट दे बिल्कुल देर इज़ अ नीड. तो ये कुछ चैलेंजेस हैं दैट आर एसोसिएटेड विद इट, राइट? तो मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, अब भूलोगे भी नहीं. कौन सा टिश्यू, अगला क्वेश्चन है, विच टिश्यू या फिर ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय अ सिंड्रोम दैट इज माइलोडिस प्लास्टिक सिंड्रोम. तो मतलब आप इसको जैसे मर्जी प्रोनाउंस करें, तो ये सिंड्रोम जो है ये कौन से ह्यूमन बॉडी या फिर कौन से टिश्यू के साथ अफेक्ट करता है, किसको अफेक्ट करता है? ये सिंड्रोम जो है ये अफेक्ट करता है ब्लड सेल्स को. ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है. तो माइलोडिस प्लास्टिक सिंड्रोम जो है ये एक रेयर ब्लड कैंसर है, राइट? तो ये एक रेयर ब्लड कैंसर है जो कि अफेक्ट करता है बॉडी की एबिलिटी को टू मेक ब्लड सेल्स. तो उसको अफेक्ट करता है बॉडी की एबिलिटी टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, उसको अफेक्ट करता है. इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट आप बोल सकते हैं कीमोथेरेपी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये सब इसके ट्रीटमेंट हैं, राइट? तो ब्लड सेल इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए. एज पर द रिजल्ट्स रिसेंट स्टडी पब्लिश्ड इन द लैंसेट माइक्रोब, most of the antibiotic resistant strains of typhoid causing bacteria originated in which region? स्टडी के हिसाब से typhoid causing bacteria कौन सा bacteria है, बता दूँ या आप comment section में बताओगे? चलो बता देते हैं. एक bacteria है salmonella bacteria, ठीक है, जो हम contaminated food water जो है उससे basically typhoid, अगर आपको पता ही हो कि इसके कारण क्या है, कैसे आप avoid कर सकते हो, अच्छा fresh खाना खाना चाहिए, right? तो टाइफाइड जो है ये एज पर दिस स्टडी मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट स्ट्रेन्स, मतलब जो कि ऐसा स्ट्रेन टाइफाइड का जो कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होता है, दैट इज ओरिजिनेटेड कौन से रीजन में? तो वो जो रीजन है वो है साउथ एशिया, ऑप्शन सी. तो ये आपको ध्यान में रखना रहेगा. दी स्ट्रेन्स आर, मतलब जो इसके स्ट्रेन्स होते हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट, एजिथ्रोमाइसिन आपने सुना होगा, तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट एजिथ्रोमाइसिन से भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होते हैं. ये फाउंड होते हैं इन इंडिया, मतलब हमारा प्यारा भारत, पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, राइट? सो दीज ऑल आर दी अदर कंट्रीज एज वेल. तो मैंने आपको बैक्टीरिया का नाम भी बता दिया है. प्लीज़ डू रिमेंबर सेल्मोनेली टाइफाइड. गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं. हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरिया भी हैं, आप कर्ड से लेते हो, लेकिन ये सेल्मोनेली अच्छा नहीं है, बैड बैक्टीरिया, टाइफाइड कॉजिंग है, ठीक है? एंड ह्यूमंस आर इट्स ओनली होस्ट, तो ये भी आप ध्यान में रख लेना. विच DRDO लेबोरेटरी डेवलप नेटवर्किंग ट्रैफिक एनालिसिस, तो कौन सी लेबोरेटरी ने डेवलप किया है नेटवर्किंग ट्रैफिक एनालिसिस, जो कि बेसिकली एक सॉफ्टवेयर नेटवर्क है, जैसे आपका स्काइप हो गया, राइट? आपका गूगल टॉक हो गया. तो यहाँ पर मतलब जो भी इंटरनेट ट्रैफिक दैट इज़ पासिंग थ्रू दी सॉफ्टवेयर, तो उसको यू कैन से एनालाइज करवाने के लिए ये जो है प्रोजेक्ट आप बोल सकते हो, दिस नेटवर्क ट्रैफिकिंग एनालिसिस. इट वाज डेवलप्ड बाय अ DRDO लेबोरेटरी जो कि है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, ऑप्शन ए, ठीक है? आगे चले, मूविंग टू द नेक्स्ट वन. ओके, शेरॉन इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ, तो शेरॉन इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ
एक ड्वार्फ प्लैनेट है। अब तो उससे अब तो मैंने आपको वो भी दे दिया, एक हिंट भी दे दिया, इट इज़ अ ड्वार्फ प्लैनेट। तो आंसर इज प्लूटो, इट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ प्लूटो। शायरॉन हैज़ अ रेड कैप। ये रेड कैप जो है इसके ऊपर, इट इज़ बिकॉज ऑफ सर्टेन केमिकल्स जिसको बोला जाता है थॉलिन्स, राइट। सो ये जो केमिकल हैं, ये जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं स्पेसिफिक कलर ऑफ द सन्स यूवी रेज। किस लिए? टू बिकम रेड। एंड दे गेट डिपॉजिटेड अराउंड दिस नेचुरल सेटेलाइट्स नॉर्थ पोल। तो वहाँ से जो है रेड कैप जो टर्म है, दे अगर बोला जाए शैरोन हैज़ अ रेड कैप, तो आई थिंक अब पीछे का प्रोसेस पता चल गया है कि क्योंकि क्यों है ये, क्या केमिकल्स का नाम है और कैसे वहाँ पर डिपॉजिट होता है, क्या प्रोसेस है, क्या एब्जॉर्प्शन होती है, किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन से होता है ये। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया है, प्लूटो इज़ अ राइट आंसर, ऑप्शन सी। स्टाइलोबेट्स कैल्सिफर, द न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज ऑफ सी एनिमल, हैज़ अ सिम्बायटिक रिलेशनशिप विद विच क्रैब। तो यहाँ पर आपको एक हर्मिट क्रैब दिख रहा होगा ऑप्शन, ये बिल्कुल सही आंसर है। एंड इट वॉज डिस्कवर्ड एट द डेप्थ ऑफ, यू कैन से 100 to 400 meters, राइट। कहाँ पर? ओशन का नाम भी ध्यान में रख लो, पैसिफिक ओशन, ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान, राइट। अच्छा वैसे ना आपको पता ही होगा हर्मिट एक टर्म आपने वैसे भी कहीं सुनी होगी, नहीं सुनी तो चलो मैं आपको थोड़ा एक हिंट दे देती हूँ, स्पाइवियस से एसोसिएटेड है को टर्म है हर्मिट। वैसे तो चलो यहाँ हर्मिट क्रैब है, अदरवाइज मैं आपको बता रही हूँ पिगेसस आपने सुना होगा, हर्मिट स्पाइवियर सुना होगा, राइट। तो उससे भी एसोसिएटेड है ये टर्म। एनीवे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द हाई रेजोल्यूशन कैमरा DRACO इज द पार्ट ऑफ विच नासाज मिशन। तो नासा का एक मिशन है, जिस मिशन का नाम मैं अगर आपको फुल फॉर्म बताऊं तो वो है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, राइट। डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, मैं आपके लिए बोल भी रही हूँ, अगर किसी को राइटिंग नहीं समझ आ रही है तो भी कोई बात नहीं, मैं 2-3 बार रिपीट इसीलिए कर रही हूँ, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। अब तो इस मिशन की फुल फॉर्म बता दी है, शॉर्ट फॉर्म इज़ वेरी इजी, डार्ट। डार्ट मिशन जो है ये नासा का मिशन है, जिसका बेसिकली पर्पस क्या है मैं पहले आपको ये भी बता देती हूँ। देखो क्या होता है ना, मार्स और जुपिटर के बीच में आपकी एस्टेरॉयड बेल्ट है जहाँ पर एस्टेरॉयड्स होते हैं, लेकिन कभी कभार एस्टेरॉयड्स जो हैं दे चेंजेस देयर वे पाथ। एस्टेरॉयड जो होते हैं कुछ तो दे बर्न एंटर नहीं करते हैं, मतलब रास्ते में ही दे जल जाते हैं, लेकिन कुछ जो हैं दे रीच टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, है ना। तो वहाँ पर ये जो टेस्ट है, यू कैन से इस मिशन का, डार्ट मिशन का जो एम है, इट इज़ टू टेस्ट द न्यूली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी, जो कि क्या करेगी, जो एस्टेरॉयड्स हैं उनको वहीं पर ही क्रैश कर दिया जाए, अलाउ मतलब एक स्पेसक्राफ्ट सो एज टू क्रैश दीज एस्टेरॉयड्स, वो एंटर नहीं करें टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, और या फिर और उसका जो या फिर उसका जो कोर्स है उसको चेंज कर दिया जाए, पाथ चेंज कर दिया जाए, राइट, रेदर देन एंटरिंग। तो वहाँ से ये मिशन जो है ये एसोसिएटेड है, आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। एंड दिस हाई रेजोल्यूशन कैमरा इज अ पार्ट ऑफ दिस मिशन। ये मिशन किसका है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखना यूरोपियन स्पेस एजेंसी का नहीं है, नासा का मिशन है, क्योंकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है अपने से, तो है ना। विच इज़ द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड बैक्टीरियम, तो जो लार्जेस्ट रिकॉर्डेड बैक्टीरियम है वो कौन सा बैक्टीरियम है, पहले तो आप उसका नाम जान लो, दैट इज थियो मार्गरेटा मैग्निफिका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इट कैन रीच अ मैक्सिमम लेंथ ऑफ 2 सेंटीमीटर, राइट। तो ये एक लार्जेस्ट रिकॉर्डेड बैक्टीरियम है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिकॉर्डेड बैक्टीरियम इन द कैरेबियन मैनग्रूव, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है अगला। ओके अगला क्या है, एक डिसीज़ है आपसे पूछा जा रहा है ये डिसीज़, चलो मैं आपको बता देती हूँ पहले, मेनिंगोकल डिसीज़ है। इट इज़ करंटली स्प्रेडिंग अमंग गे एंड बाइसेक्सुअल्स, कहाँ पर? फ्लोरिडा के अंदर। क्वेश्चन है, इट इज़ कॉज बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट। तो ये कॉज किससे होता है, ये ना एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलो देख ही लेते हैं, बिल्कुल सही है, बैक्टीरिया से होता है, इट इज़ कॉज बाय बैक्टीरिया। मैं आपको नाम भी बता देती हूँ, आप चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, नाइसेरिया मेनिनजिटिस, राइट।
तो ये जो है इट इज़ कॉज्ड बाय इट एंड इट इज़ इट कॉजेज इन्फेक्शन. आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में हो सकता है, ब्रेन लाइनिंग के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है. ये पैथोजन स्प्रेड कैसे होता है? थ्रू द रेस्पिरेटरी सेक्रीशंस, थ्रॉट सेक्रीशंस इफ इफ शेयर्ड, तो वहाँ से जो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है. और ये डिसीज कॉज करता है अमंग द गेज एंड बाइसेक्सुअल्स इन फ्लोरिडा. इट इज़ स्प्रेडिंग, राइट. बेपी कोलंबो मिशन है, रिसेंटली मेड न्यूज़, इज़ द फर्स्ट यूरोपियन मिशन टू विच प्लैनेट. तो मतलब यहाँ से तो आपको पता चल ही गया कि यूरोप का मिशन है, तो ये आपको ध्यान में रखना. वैसे मैं आपको बता दूँ तो 2018 के अंदर इस बेपी कोलंबो मिशन को लॉन्च किया गया था. यूरोपियन स्पेस एजेंसी तो इससे एसोसिएटेड है ही, लेकिन ये जॉइंट मिशन है. तो ध्यान में रखना, जापान की जो एरोस्पेस एजेंसी है, एक्सप्लोरेशन एजेंसी, वो भी एसोसिएटेड है. ये मिशन किस लिए है? इट इज़ द फर्स्ट मिशन टू विच प्लैनेट, तो वो भी बिल्कुल ध्यान में रखना, मरकरी से. तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. तो प्लीज़ डू रिमेम्बर, कब लॉन्च हुआ ये मिशन, कौन सी दो एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और किनका है ये मिशन, एंड इसी के साथ साथ टू विच प्लैनेट, कौन से प्लैनेट से ये एसोसिएटेड है, वो भी आपको बताना चाहिए. मतलब सो एज टू स्टडी इट्स एनवायरमेंट, उसके लिए ये मिशन है, राइट. तो दोनों मिशन की जो भी दोनों एजेंसीज हैं वो भी ध्यान में रख लेना. रेगुलराइज एक्सिलरेटेड लीनियर फिजिकल इवेल्यूएशन विच वॉज सीन इन न्यूज़, रियल लाइफ बोल रहे हैं. ये किससे एसोसिएटेड है? इट इज़ एसोसिएटेड विद विच फील्ड? स्पेस साइंस से, ब्रेन कनेक्टिविटी से. तो ये ब्रेन कनेक्टिविटी से एसोसिएटेड है, ये प्लीज़ आप ध्यान में रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इट हैज़ बिन जो इसका एल्गोरिदम है, IISc रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड द एल्गोरिदम टू स्टडी दी ब्रेन एक्टिविटी, राइट. तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर. GPU की फुल फॉर्म आपको बतानी है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर से एसोसिएटेड है, तो आपको बताना है GPU के फुल फॉर्म क्या है. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GPU विद रेफरेंस टू कंप्यूटर हार्डवेयर? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. और अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इन्होंने मैं आपको बताऊँ, एक कंपनी है आर्म लिमिटेड, ये एक ब्रिटिश चिप कंपनी है, ब्रिटिश चिप मतलब टेक्नोलॉजी फर्म आप बोल सकते हैं, वो है. इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है क्या? अ न्यू चिप टेक्नोलॉजीज, जिसका एम क्या है? जो वीडियो गेम्स हम खेलते हैं ना ऑन द स्मार्टफोन, सो एज टू मेक देम लुक बेटर, और वो आपकी जो फ़ोन की जो बैटरी लाइफ है उसको आप प्रिजर्व करके रखें. तो उस रिगार्डिंग दे लॉन्च दिस न्यू चिप टेक्नोलॉजीज, राइट. द लेटेस्ट प्रोड्यूस आर डिज़ाइन फॉर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट. तो मतलब जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, आपको पता ही होगा ये आपके दे आर यूज फॉर वीडियो प्रोसेसिंग इन द गेमिंग्स. तो ये ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट GPU इसलिए न्यूज़ में था. तो प्लीज़ डू रिमेंबर द फुल फॉर्म. लार्ज हेड्रोन कोलाइडर, वेयर इज द लार्ज हेड्रोन कोलाइडर, जो कि वर्ल्ड्स का मोस्ट पावरफुल पार्टिकल कोलाइडर है. तो ये कहाँ पर लोकेटेड है वो आपको बताना है. ये लोकेटेड है जिनेवा के अंदर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. एक फिजिक्स में रेवोल्यूशन ले आने की बात आप बोल सकते हो, वो है कॉम्प्लेक्स सी मशीन है दैट इज बिल्ड टू स्टडी दी पार्टिकल्स. ठीक है, पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए, द स्मॉलेस्ट नोन बिल्डिंग ब्लॉक्स आप बोल सकते हो ऑफ ऑल द थिंग्स, उसको स्टडी करने के लिए 3 ईयर्स, मतलब इट वॉज पहले शट डाउन, लेकिन अभी जो है फॉर द मेंटेनेंस एंड अपग्रेडिंग, लेकिन अभी इट इज़ स्विच बैक रिसेंटली, सो दैट इज़ वाई इट वॉज इन न्यूज. अच्छा जी, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड कोवर स्कैन रैपिड टेस्ट दैट कैन एक्यूरेटली डिटेक्ट ऑल दी करंट वेरियंट्स ऑफ सरस कॉव टू? तो कौन सी कंट्री है जिसने डेवलप किया है कोवर स्कैन, जिसके अंदर क्या होता है ना, आपको किसी भी तरीके का कोई भी वेरिएंट का, अगर आप यू कैन से कोविड जैसे आप बोल सकते हैं ना, कोविड अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, सो इट कैन डिटेक्ट ऑल दी करंट वेरिएंट्स ऑफ सरस कोव टू, राइट, विद इन दी आर्स. तो ठीक है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि यहाँ पर साइंटिस्ट टिपिकली यूज़ होल जीनोम सिक्वेंसिंग का यूज़ किया जाता है, ताकि आप डिटरमाइन कर सके कि कौन से वेरिएंट का ऑफ द COVID-19 पेशेंट इन्फेक्ट हुआ है, किस वेरिएंट से हुआ है, राइट. तो यहाँ पर ये पूरी ये जो टेस्ट है ये डेवलप किया गया है बाय USA. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर.
पूरी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, किसी भी क्वेश्चन से एसोसिएटेड हो चाहे, ताकि आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहीं पर मिल जाए, चीज़ें समझ आ जाएं, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े। थोड़ा टाइम भी लग जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है अपने को, क्योंकि कोई कोई जल्दी नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन लेके ही हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। वट इज़ आर्यभट्ट वन विच वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली? तो आर्यभट्ट वन क्या है? प्रोटोटाइप ऑफ एनालॉग चिपसेट। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। तो क्या है ना, जो आपके यू कैन से ये चिपसेट क्या करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जो भी एप्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा यू कैन से इम्प्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए, फास्ट करने के लिए। सिरी, एलेक्सा, सुना होगा ना? तो यहाँ पर ये यू कैन से इसके जो ऑपरेशंस हैं उनकी स्पीड को यू कैन से इम्प्रूव करने के लिए उसके साथ, उससे एसोसिएटेड है ये। तो इट इज़ अ प्रोटोटाइप ऑफ एनालॉग चिपसेट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर बिल्कुल सही है अपना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टार्टअप स्कूल इंडिया इनिशिएटिव कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट ने, गूगल ने, अमेज़न ने, या फिर मेटा? तो द राइट आंसर इज गूगल, प्लीज़ डू रिमेंबर दैट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म अंडर विच गूगल विल ब्रिंग टुगेदर इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, प्रोग्रामर्स। और क्या कर इस बेसिकली इनिशिएटिव के अंदर होगा क्या, स्टार्टअप्स जो हैं फ्रॉम दी स्मॉल सिटीज दे विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी सो दैट दे कैन इंटरैक्ट, दे कैन लर्न फ्रॉम देम। तो गूगल का एम है टू रीच आउट टू एटलीस्ट 10,000 स्टार्टअप्स इस प्रोग्राम से। तो इनिशिएटिव का नाम है स्टार्टअप स्कूल इंडिया इनिशिएटिव। न्यूज़ इनिशिएटिव इंडिया ट्रेनिंग नेटवर्क, ये एक इनिशिएटिव है कौन सी कंपनी का, वो आपको बताना है। तो ये भी इनिशिएटिव गूगल का है, हाँ गूगल का ही ये इनिशिएटिव है, न्यूज़ इनिशिएटिव इंडिया ट्रेनिंग नेटवर्क, जिसके अंदर गूगल क्या कर रहा है, इट विल टीच जर्नलिस्ट को टीच करना एंड द न्यूज़ रूम्स, ताकि वो लर्न कर सकें डिजिटल स्किल्स, किस लिए, दैट आर नीडेड टू टैकल द मिस इन्फॉर्मेशन। जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है ऑनलाइन, उसको टैकल करने के लिए जो डिजिटल स्किल्स रिक्वायर्ड हैं फॉर टू द जर्नलिस्ट एंड टू द न्यूज़ रूम लर्न्स टू द न्यूज़ रूम्स, तो उनके लिए ये इनिशिएटिव लाया गया है। कौन लाया है? गूगल लाया है। एंड प्लीज़ डू रिमेंबर दैट इट विल कवर 5 न्यू इंडियन लैंग्वेजेस। तो मैं आपको बता भी देती हूँ, इट विल बी नाउ अवेलेबल इन पंजाबी, असमीज, उड़िया, गुजराती एंड मलयालम, राइट? तो मैंने लैंग्वेजेस भी बता दी हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, विच कंट्री हैज साइंड द पैक्ट फॉर सप्लाइंग टेक्नोलॉजी फॉर कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट? तो कौन सी कंपनी है, एक कंपनी है रशिया की, रोस एटम स्टेट कॉरपोरेशन ने साइन किया है एक एग्रीमेंट सो एज टू सप्लाई द टेक्नोलॉजी टू द 4 पावर यूनिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। तो मतलब रोस एटम से समझ आ ही गया होगा, अब तो सीधा ऑप्शन पे ही चलते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो रशिया वो कंट्री है जिन्होंने ये पैक्ट को साइन किया है, एब्सोल्यूटली करेक्ट, ऑप्शन बी। इंडियाज फर्स्ट ऑटोनमस नेविगेशन फैसिलिटी इनॉग्रेटेड रिसेंटली। ये जो पहली ऑटोनमस नेविगेशन फैसिलिटी है जिसको इनॉग्रेट किया गया रिसेंटली, आपको बताना है इसका नेम क्या है। इसका नेम है तिहान, ऑप्शन बी। तो ये जो है हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने इनॉग्रेट किया था, जितेंद्र सिंह उन्होंने इसको, जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं, हमारे यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। कहाँ पर किया? आईआईटी हैदराबाद कैंपस के अंदर किया था, राइट? तो तिहान, आई थिंक मैं आपको इसकी फुल फॉर्म भी बता देती हूँ, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनमस नेविगेशन। तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब, अगर कोई लिखना चाहे तो लिख भी सकता है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनमस नेविगेशन। इट वॉज डेवलप्ड एट अ बजट ऑफ ₹130 करोड़, 130 करोड़ का बजट। एक एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके अंदर क्या होगा, इट इज़ प्रोवाइडिंग यू विद द टेस्ट बेड, जो होगा ये आपको प्रोवाइड करेगा फॉर मतलब आने वाले टाइम में हम ऑटोमेटेड उस पर ही तो जा रहे हैं, ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं, स्मार्ट मोबिलिटी टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं। तो जो हाई क्वालिटी रिसर्चर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, लैब्स हैं, उनको हेल्प करेगा। सो बाय प्रोवाइडिंग देम दिस दे विल प्रोवाइड टेस्ट बेड, राइट? तो उनके लिए टेस्ट बेड की प्लेटफॉर्म इट विल प्रोवाइड। तो तिहान इज दी
name of this facility. What is the name of the single repository of all Indian government digital projects to be shared with the world? तो यहाँ पर एक indiastack.global करके आपको दिख रहा होगा option, option number B. तो दैट ऑप्शन इज एब्सोल्यूटली द राइट आंसर. तो विदाउट अ डाउट आप इसको टिक कर सकते हैं. ये बेसिकली एक सिंगल रिपोजिटरी है ऑफ ऑल द इंडियन डिजिटल प्रोजेक्ट्स जो कि चल रहे हैं. आपने काफ़ी डिजी लॉकर जैसे कोविन प्लेटफॉर्म है ना, अभी वैक्सीन ली होगी तो यूज़ किया होगा कोविन प्लेटफॉर्म का भी, आयुष्मान भारत, डिजिटल हेल्थ मिशन, ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस. तो दिस इज अ सिंगल रिपोजिटरी फॉर ऑल दीज इंडियन गवर्नमेंट डिजिटल प्रोजेक्ट्स. नेम इज इंडिया स्टैक डॉट ग्लोबल. कौन से इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया है एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल पाइवट दैट कैन प्रिडिक्ट कैंसर कॉजिंग जीन्स? तो वो इंस्टीट्यूशन का नाम आपको बताना है. इट कैन प्रिडिक्ट कैंसर कॉजिंग जीन्स. ये ऐसा टूल है IIT मद्रास, पहले मैं आपको बता देती हूँ वो इंस्टीट्यूशन है. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. ये एक ऐसा टूल है दैट विल हेल्प इन डिवाइजिंग द पर्सनलाइज स्ट्रैटेजीज फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट, राइट. इवन इट कैन प्रिडिक्ट कि जो जीन है क्या वो न्यूट्रल जीन है या इज इट अ सप्रेसर जीन, सो ट्यूमर सप्रेसर जीन. तो इट कैन प्रिडिक्ट दिस कैंसर कॉजिंग जीन्स, राइट. तो नेम ऑफ द टूल इज पाइवट. IIT मद्रास जो इंस्टीट्यूशन है दे हैव डेवलप्ड दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टू. हाँ, द ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड लाइट इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स विच वॉज रिसेंटली रिलीज, इसको कौन से टेलीस्कोप ने कैप्चर किया? सो इट हैज़ बीन कैप्चर्ड बाय जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप. तो ये जो इमेज है इसने कैप्चर की, इट इज़ अ पैच ऑफ स्काई that is visible from the southern hemisphere on the earth, right. I think without a doubt James Webb Space Telescope ko aap yaad kar lijiye, it is the right answer. Yeah, PUB FEME, a new fuel which was found in the news, was developed from which source? To ye jo hai ye aapko dikh raha hoga option number B, bacterium. So this fuel has been found in news and it is developed from bacterium. So this fuel has you can say for scientist from US. Haan, please do remember that. Agar aapse kal ko pooch bhi liya jaye to US Lawrence Berkeley lab have developed this fuel from bacterium. So option B is the right answer. Which company is set to produce India's first quadrivalent human papilloma virus vaccine against सर्विकल कैंसर? कौन सी कंपनी है दैट इज टू प्रोड्यूस दिस वैक्सीन अगेंस्ट सर्विकल कैंसर? द राइट आंसर इज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. प्लीज डू रिमेंबर दैट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ये एक सेकेंड मोस्ट फ्रीक्वेंट कैंसर आप बोल सकते हो जो कि होता है अमंग द वुमेन्स इन इंडिया. एज ग्रुप है बिटवीन 15 to 44, राइट. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. जस्ट गिव मी अ मिनट. Yeah, option B. Moving to the next one. Lux Zeppelin, world's biggest dark matter detector, is located in which country? तो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? सबसे पहले तो आप कंट्री का नाम जान लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा डार्क मैटर के बारे में भी बताती हूँ, उस पर हम रोशनी डालते हैं. है तो डार्क बट इम्पॉर्टेंट है. तो द राइट आंसर इज USA. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. देखो ऐसा है कि जो डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर जो है, ये बहुत ही मिस्टीरियस आप बोल सकते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी है. जैसे क्या है ना, हम जो देख सकते हैं प्लैनेट्स हैं, मून्स, गैलेक्सीज, तो दे ओनली मेक अप लेस देन 5% ऑफ द यूनिवर्स. रेस्ट इज डार्क मैटर, डार्क एनर्जी विच मेक्स यू कैन से 68% ऑफ द यूनिवर्स, राइट. तो ये बहुत ही एक मिस्टीरियस आप बोल सकते हैं जोन आप बोल सकते हैं है. डार्क मैटर जो है वो अट्रैक्ट करता है, जो आप देख रहे होगा ना प्लैनेट्स हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, तो उनको अट्रैक्ट जो करता है वहाँ पर डार्क मैटर आता है. जो डार्क एनर्जी है वो रिपेल करती है एंड इट कॉजेज एक्सपेंशन. आप बोलते हैं ना यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग, तो वहाँ पर देयर कम्स द डार्क एनर्जी, राइट. तो यहाँ पर अभी भी इस पर रिसर्च चलती रहती है. एंड द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डार्क मैटर डिटेक्टर इज लोकेटेड इन USA. सो प्लीज डू रिमेंबर दैट. मूविंग टू द नेक्स्ट वन.
Which company unveiled India's first indigenously developed lithium ion cell? So please do remember the name of the company, Ola. So Ola Electric Limited जो है ये it is country's first indigenously developed they are developing lithium ion cell and you can also remember there will be the mass production of the cell NMC 2170 right so right answer is option B correct the biggest supermoon of 2022 ये observe किया गया था in which month in the month of July तो option C is the right answer. Moving to the next one, अगला question है, which institution has designed a mechanism to inactivate SARS-CoV-2? हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो. कौन सा institution है जिसने design किया है एक ऐसा mechanism where you can inactivate SARS-CoV-2? मतलब inactivate का मतलब ये होता है, ये उस it will block the spike protein on the surface पे जो आपका जो स्पाइक प्रोटीन है जो SARS-CoV-2 वायरस है उसको वहीं पर ब्लॉक कर देगा राइट तो वो बेसिकली जो इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने इस मैकेनिज्म को डिज़ाइन किया है वो है IISc बेंगलुरु सो प्लीज़ डू रिमेंबर दैट इन कोलैबोरेशन में उन्होंने किया है विद द रिसर्चर्स फ्रॉम CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ द माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी दे हैव डिज़ाइंड पेप्टाइड्स राइट सो अ न्यू क्लास ऑफ पेप्टाइड्स है दैट इज एंटीवायरल दैट विल ब्लॉक यू कैन से और बाइंड द स्पाइक प्रोटीन्स ऑन द सर्फेस ऑफ द SARS-CoV-2 मेकिंग इट इनएक्टिव अनमेंशनिंग फीचर विथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अनमेंशनिंग फीचर कौन सा वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया अनमेंशनिंग फीचर अनमेंशनिंग फीचर के अंदर मतलब जो कॉन्वर्सेशन होती है ना यू कैन रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम दैट कॉन्वर्सेशन दैट इज द अनमेंशनिंग फीचर तो ये फीचर ट्विटर के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कमर्शियल रीसप्लाई सर्विसेज मिशन विच वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली वॉज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है SpaceX एब्सोल्यूटली राइट ऑप्शन बी जजीरो विच वॉज सीन इन न्यूज इज अ क्रेटर इन विच सेलेस्टियल बॉडी तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मार्स अगर आपने सुना होगा मार्स में एक मार्स मिशन 2020 का मार्स मिशन था नासा का जहाँ पर दे वांटेड टू स्टडी इज द लाइफ मतलब पॉसिबल ऑन मार्स और वहाँ पर फ्रॉम वाटर यू कैन से आगे जो है फर्दर स्टडी जो है वो वहाँ पर होने वाली मतलब इट इज़ इन फंक्शनिंग ऑल्सो तो रेड प्लैनेट मार्स जो है वहाँ पर बेसिकली दिस जजीरो क्रैटर जो है इट इज़ इन न्यूज़ एंड एक जो रोवर है मार्स परसिवरेंस रोवर राइट मार्स मैं आपको लिख देती हूँ परसिवरेंस रोवर इट हैज टेकन द फर्स्ट सैंपल फ्रॉम दिस जजीरो डेल्टा राइट सो मार्स मिशन 2022 ऑफ नासा उससे एसोसिएटेड है ये एंड या सो मार्स मिशन अगर किसी को पता हो तो मार्स से मार्स मिशन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर विच इज द फर्स्ट कंपनी टू डायरेक्टली ऑप्टेन एंड इम्प्लीमेंट 5G स्पेक्ट्रम सही ऑप्शन ए LNT टेक्नोलॉजी इज द राइट आंसर आगे चलते हैं जो कभी कभार ना आपको क्वेश्चंस में भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसको प्लीज़ इग्नोर मत करें हालांकि मैं आपको ऑप्शंस के जो भी ऑप्शन राइट ऑप्शन है उसे एसोसिएटेड पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ आपके साथ एंड आपकी एक रिवीजन भी हो जाएगी लेकिन क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कभी कभार मिशन का नाम हो जाता है या मिशन किस से कौन सी एजेंसी से एसोसिएटेड है वो हो जाता है तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री जैसे यहाँ पर हो गई मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है ना तो इसीलिए क्या पता आपके पास ऑप्शंस में कल को मिनिस्ट्री आ जाए जो भी क्वेश्चन में लिखी हुई है तो इसीलिए डोंट इग्नोर द इन्फॉर्मेशन दैट इज इन द क्वेश्चन ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज डेमोस्ट्रेटेड डीसेलिनेशन प्लांट्स इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी तो यहाँ पर मैं आपको पहले राइट आंसर बता देती हूँ इसका दैट इज लक्षद्वीप ऑप्शन डी
तो बात ऐसी है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है थ्रू इट्स ऑटोनमस इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने डेवलप किया है ये डीसेलिनेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पर सी वाटर को आप कन्वर्ट करते हो टू दी पोटेबल वाटर, राइट? सो दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी हैज़ बीन डेवलप्ड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड एट, प्लीज डू रिमेंबर, कावरती, अगाती एंड मिनिकॉय आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप्स. आइलैंड के नाम भी बता दिए हैं, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए यू कैन सॉल्व दैट. एंड मिनिस्ट्री का नाम भी अब आपके पास है ही सही. वीवा एंगेज इज अ न्यू एप्लीकेशन ऑफ विच टेक मेजर? तो माइक्रोसॉफ्ट आपको दिख रहा होगा, माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है इस एप्लीकेशन को इन टीम्स सो एज टू बिल्ड द कम्युनिटी एंड कनेक्शन. तो यहाँ पर जो है जो उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं, दे पीपल इन देयर टीम, दे कैन कनेक्ट टुगेदर एंड विद देयर को वर्कर्स, दे कैन शेयर देयर स्टोरीज. सो दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन हैज़ बिन लॉन्च बाई माइक्रोसॉफ्ट. ऑप्शन ए. ओके, निर्मन एक्सीलेटर प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है आपको ये बताना है. विच इंस्टीट्यूशन स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर लॉन्च निर्मन एक्सीलरेटर प्रोग्राम? द राइट आंसर इज IIT कानपुर. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. इट इज सपोर्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. 15 स्टार्टअप्स, कितने स्टार्टअप्स? 15 स्टार्टअप्स विल बी सिलेक्टेड. किस लिए सिलेक्ट किए जाएंगे? विल बी फैसिलिटेटेड टू एक्सीलरेट देयर प्रोडक्ट. जो उनका जो भी प्रोडक्ट है उसको एक्सीलरेट करने के लिए वो लैब से लेके मार्केट तक ले जाने वाला है ना, तो ये इस प्रोग्राम का पार्ट रहेगा. जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग ऑफ दीज 15 स्टार्टअप्स, इसमें से जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टार्टअप होगा उनको एक कैश अवार्ड भी मिलेगा ऑफ अप टू ₹10 लाख, राइट? सो IIT कानपुर जो इंस्टीट्यूशन है, इट इज़ द राइट आंसर. India's biggest spectrum auction for dash, you have to fill that, of 5G airwaves worth 4.3 lakh crore has commenced recently. India's biggest spectrum auction for 1.2 gigahertz, 12 gigahertz, 7.2 gigahertz या फिर 72 gigahertz of 5G airwaves has commenced. It is 72, option D, right? What is the name given to the remnants of supernova explosion left behind when the giant stars die? आपने सुना होगा न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में. कैसे बनते हैं ये न्यूट्रॉन स्टार्स? जब एक मैसिव स्टार जो है इट रन्स आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्सिस. मैसिव स्टार है, इट रन्स आउट ऑफ फ्यूल या फिर इट कोलैप्सिस, तो न्यूट्रॉन स्टार जो है वो बनता है. जो सेंट्रल रीजन होता है स्टार का, कोर, वो कोलैप्स होता है, क्रश होता है टुगेदर. मतलब फिर जो प्रोटॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे क्रश टुगेदर एंड दे फॉर्म न्यूट्रॉन इनटू द न्यूट्रॉन, और वहाँ से न्यूट्रॉन स्टार जो है वो नाम आता है. दे ऐसा नहीं है कि मतलब ये जो स्टार्स हैं दे आर फाउंड स्कैटर्ड थ्रू आउट द गैलेक्सी, राइट? एंड इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एक पॉइंट याद रखना है, दे डू नॉट एमिट एनफ रेडिएशन. न्यूट्रॉन स्टार जो हैं दे डू नॉट एमिट एनफ रेडिएशंस, तो ये प्लीज़ ध्यान में रखना. दे आर दी स्टार्स दैट द नेम दैट इज गिवन टू द रेमिनेंट्स ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन. ऑप्शन बी करेक्ट. वट इज़ द नेम ऑफ द साइबर अटैक इन विच अ कंप्यूटिंग डिवाइस इज हाईजैक एंड इट्स रिसोर्सेज आर यूज टू इलिसिटली माइन द क्रिप्टो करेंसी? तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात ये है कि आपको बताना है इनमें से वो नाम, वो साइबर अटैक का नाम बताना है, जहाँ पर क्या होता है, एक कंप्यूटिंग डिवाइस को हाईजैक कर लिया जाता है और उसके रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है क्रिप्टो करेंसी को माइन करने के लिए. और एक बात और ध्यान में रखें कि जो विक्टिम है ऑफ दिस अटैक, द विक्टिम इज़ अनअवेयर ऑफ दैट देयर सिस्टम हैव बीन हाईजैक्ड, राइट? तो ये जो नेम है of the cyber attack, उसका नाम है crypto jacking. Option B is the right answer. Right, उसके बाद आपको एक question दिख रहा होगा, CRISM and MRO which were seen in the news are associated with the exploration of which celestial body? है ना, तो यहाँ पर अगर आपको इनके full form पता है, question is very easy. मतलब अगर आपको ये पता है ना, M stands for what?
तो यू कैन वेरी इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. हेयर एम स्टैंड्स फॉर मार्स, क्योंकि MRO, जैसे MRO है नासा का है, दैट स्टैंड्स फॉर मार्स रिकॉन्सोनेंस ऑर्बिटर, तो मार्स से रिलेटेड है. CRISM के फुल फॉर्म जान लो, कॉम्पैक्ट रेजोनेंस इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर फॉर मार्स, तो डेफिनेटली अब यहाँ से फुल फॉर्म से बहुत ईजिली यू कैन से मार्स इज द राइट आंसर. फुल फॉर्म्स पता होती हैं तो कभी कभार क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके आगे चलते हैं. आगे आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक इनिशिएटिव AI4 भारत इनिशिएटिव, इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन से इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है AI4 भारत इनिशिएटिव? ये इनिशिएटिव है टू बिल्ड ओपन सोर्स लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंडियन लैंग्वेजेस. तो मतलब इसका इम्पैक्ट है इंडियन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना एंड टू क्रिएट अ सोसाइटल इम्पैक्ट. तो AI फॉर, मतलब जहाँ पर यू आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंडियन लैंग्वेजेस, एक इंस्टीट्यूशन ने इसको लॉन्च किया है. द आंसर इज IIT मद्रास. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. इट लॉन्च निलेकनी सेंटर, तो प्लीज़ डू रिमेंबर सेंटर का नाम भी मैं आपको बता रही हूँ, निलेकनी सेंटर एट AI4 भारत, विच इज़ बींग सपोर्टेड थ्रू निलेकनी फिलेंथ्रोफिस, राइट? सो ऑप्शन बी इज द राइट वन. साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री हैव डेवलप्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट ड्यूरेबल हाइड्रोजन फ्यूल सेल? तो कौन से साइंटिस्ट, कौन सी कंट्री के हैं जिन्होंने डेवलप किया है द वर्ल्ड्स मोस्ट ड्यूरेबल हाइड्रोजन फ्यूल सेल? तो वो है हांगकांग. या हांगकांग इज द राइट आंसर. हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये वर्ल्ड का मोस्ट ड्यूरेबल सेल है सो फार, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, राइट? कॉस्ट इफेक्टिव एंड दिस कैन एक्सपैंड द स्कोप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी. कैसे? जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स हैं दे एफिशिएंटली जनरेट द पावर बाय कन्वर्टिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट? तो हाइड्रोजन और जस्ट अ सेकेंड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को ये जो है ये कन्वर्ट करते हैं इंटू द इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एमिटिंग कार्बन डाइऑक्साइड. सो और कोई, मतलब अपार्ट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी दूसरा एयर पॉल्यूटेंट जो है वो एमिट नहीं करते हैं. तो दैट इज़ वाई दे आर द मोस्ट ड्यूरेबल वन ऑल्सो एंड यू कैन से कि दे हैव द स्कोप इन दिस ग्रीन एनर्जी अक्रॉस द वर्ल्ड. तो ऑप्शन सी या इज द राइट आंसर. विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड अल्ट्रासाउंड एडहेसिव दैट प्रोड्यूसेस इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक इंस्टीट्यूट का नाम, दैट कैन प्रोवाइड, मतलब एक ऐसा डिवाइस उन्होंने लाया है दैट कैन प्रोवाइड यू द रियल टाइम अल्ट्रासाउंड इमेजिंग. किसकी? हार्ट की, जस्ट अ सेकेंड, हार्ट, लंग्स की एंड दी अदर इंटरनल ऑर्गन्स, राइट? एंड द राइट आंसर इज, अब तो नाम बताना है इंस्टीट्यूशन का, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द पेरेंट कंपनी ऑफ डीप माइंड टेक्नोलॉजीज दैट हैव डेवलप्ड अल्फा फोल्ड AI टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल? सो प्लीज डू रिमेंबर दैट अल्फाबेट. तो अल्फा फोल्ड से ही याद रख लेना, अल्फाबेट इज द राइट आंसर. इट इज़ डेवलप्ड बाय अल्फाबेट एंड दिस टूल हैज़ प्रिडिक्टेड एंड पब्लिश्ड द स्ट्रक्चर्स ऑफ ओवर 200 मिलियन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, राइट? इन कोलैबोरेशन, तो इन कोलैबोरेशन विद यूरोपियन बायो इन्फॉर्मेटिक इंस्टीट्यूट, यूरोपियन बायो इन्फॉर्मेटिक इंस्टीट्यूट के साथ इस टूल ने पब्लिश किए हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ 200 मिलियन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, यू कैन से, एंड दिस इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डेटाबेस फॉर द बायोलॉजिकल रिसर्च. अल्फाबेट इज द आंसर, ऑप्शन बी. ओके आगे क्या है, चैंडलर वोबल विच वॉज सीन इन न्यूज इज अ फिनोमिना एसोसिएटेड विद विच फील्ड? पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, रोटेशन ऑफ प्लैनेट से ये एसोसिएटेड है. दो चीज़ें ध्यान में रखो कि चैंडलर वोबल क्या है और ये अभी न्यूज़ में क्यों था, ये मतलब क्यों एसोसिएटेड है, रोटेशन ऑफ फील्ड से एसोसिएटेड है. तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू नासा, चैंडलर वोबल जो है इट इज़ अ मोशन दैट इज एग्जिबिटेड बाय अर्थ एज इट रोटेट्स अराउंड एट इट्स एक्सिस, मोशन बाय द अर्थ. तो क्या सिर्फ अर्थ के मोशन से एसोसिएटेड है? नहीं. प्लीज़ डू रिमेंबर एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर है जिनका नाम है चार्लो चैंडलर.
तो वहां से चैंडलर वोबल जो है नाम आया है. चैंडलर वोबल बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ मोशन दैट कैन अकर फॉर अ फ्रीली रोटेटिंग ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट अ स्फीयर, है ना. अर्थ जो है जैसे हो गई एग्जाम्पल. सो इट इज अ काइंड ऑफ मोशन यू कैन से दैट अकर्स फॉर अ फ्रीली रोटेटिंग ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट इन स्फीयर. उससे एसोसिएटेड है ये चैंडलर वोबल मोशन. न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि 29 जून को ऐसा हुआ कि जो आपकी प्लैनेट हमारा जो अर्थ है ऑन June 29th इट टुक 1.59 milliseconds लेस टू कम्प्लीट वन रोटेशन. एक रोटेशन कम्प्लीट करनी थी और जनरली मतलब वो 24 आवर्स से भी वो लेस कितना 1.59 milliseconds लेस, मतलब इट वॉज रोटेटिंग फास्ट. तो रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स इसीलिए है, ये फिनोमिना इसीलिए न्यूज़ में आया एंड इट इज़ रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स. मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज लेक्चर, व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट डेवलप्ड बाय 750 girls अक्रॉस 75 rural schools टू बी लॉन्च्ड बाय इसरो. पहले मैं आपको नाम बता देती हूँ, वो है आज़ादी सैटेलाइट. प्लीज़ डू रिमेंबर दैट इसरो इज सेट टू लॉन्च SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से. कहाँ पर है वो? श्रीहरिकोटा के अंदर है. तो ये आपको ध्यान में रखना है. एंड क्यूबसैट आज़ादी सैटेलाइट जो है इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय 750 girls and the satellite will carry a special space song along with the national anthem also. And 75 years hone ja rahe hain of independence, to usi ke you can say this rocket is also carrying the Indian tricolor, right? So yeah, yahan par option B is the right answer, correct? Just give me a second. So yeah, this is the last question of today. With this, I Arzu Kakkad sum up this session here. I hope आपको ये session अच्छा लगा होगा. पूरे 50 questions को हमने in complete detail समझने की कोशिश करी है और अब तो आपको options भी याद हो गए होंगे. जिन्होंने जो daily current affairs जो हैं देखते हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छी revision हो गई है science and technology के sector उसमें section के अंदर. तो कैटेगरी वाइज भी आपके लिए हो गया एक मेजर बेनिफिट रहेगा. सेशन अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना. टिल देन आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबडी हेयर अ वेरी बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन. थैंक यू, टेक केयर.